नमस्कार, मैं हूँ आरती परब। ए है प्रगति टाइम्स न्यूज रील। आज के मुख्य समाचार। सर्वोच्च न्यायालय ने अयोध्या विवाद सुलझाने के लिए 15 अगस्त तक का समय दिया। लगातार दूसरे दिन घटे पेट्रोल और डीजल के दाम। जम्मू कश्मीर राजमार्ग पर नागरिक वाहनों पर पाबंदी केवल रविवार को। पुडुचेरी उपराज्यपाल संबंधी आदेश पर नोटिस जारी। SC और ST पदोन्नति पर कर्नाटक का कानून बरकरार। केरल के बिशप की जमानत 7 जून तक बढ़ी। अलवर सामूहिक दुष्कर्म मामले में जांच अधिकारी नियुक्त, 10 दिन में देंगे रिपोर्ट। भाजपा ने पित्रोदा की टिप्पणी पर सोनिया और राहुल से माफी की मांग की। CGI के खिलाफ प्रदर्शन कर रही महिला कार्यकर्ता हिरासत में। शेयर बाजार में गिरावट, सेंसेक्स 96 अंक नीचे। SBI का मुनाफा चौथी तिमाही में 838 करोड़ रहा। तापसी की गेम ओवर को हिंदी में पेश करेंगे अनुराग कश्यप। 26/11 पर उन्नीथन की किताब पर बनेगी सीरीज। अमेरिका ने 200 अरब डॉलर की चीनी वस्तुओं का आयात शुल्क बढ़ाकर 25% किया। ट्रंप पूर्व बोइंग कार्यकारी को रक्षा मंत्री के तौर पर नामित करेंगे।